हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम आपके लिए आज लेके आए हैं नई वीडियो, और हमारा टॉपिक है रैक बोल्ट। कि जैसे कि आप देख सकते हैं, ये रैक बोल्ट हमारे सिंक में लगता है, वॉश बेसिन में लगता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिले। तो आज जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये रैक बोल्ट है, तो ये कैसे इंस्टॉल होगा और कहां कहां पे इंस्टॉल होगा, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूं आपसे। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं कि वीडियो को देखते ज़रूर हैं, बट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए, कि हम आपके लिए ऐसे ही बढ़िया वीडियो बनाते रहें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये हमारा 3-8 का रैक बोल्ट है, इसको 10 mm का भी बोलते हैं। तो ये हमारा सिंक में लगता है, वॉश बेसिन को हैंग करने के लिए लगता है। तो इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, पहले मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। ये हमारी, तो इसके मैं एक एक पार्ट को आपको एक्सप्लेन करूंगा, किस पार्ट का क्या पर्पस है और कैसे लगेगा। तो पहले हम शुरू करते हैं ये गिट्टी से। ये हमारी गिट्टी है, ये 10 mm का होल करना पड़ेगा दीवार में, और दीवार में ये वाला पार्ट जाएगा। उसके बाद गिट्टी को लगाने के बाद हमने जो हमारा ये पोर्ट है, इसको उठा के इसमें से ये वाला फासा है जो ये दीवार में रहेगा, और अंदर से लगेगा ये वाला। तो ये आपका कैसे लगेगा, पहले आपकी गिट्टी लग जाएगी, उसके बाद आपका ये रैक बोल्ट है जो, इसको आप चाबी से 10 नंबर की या 8 नंबर की चाबी लगेगी, उससे अच्छे से टाइट कर लीजिए, कि आपका ज़्यादा नहीं, इतना पार्ट जो है वो आपका दीवार में चला जाए। इसको लगाने के बाद आपने अपने पाउट को उठाना है, उठा के इसको दोनों साइड जब रैक बोल्ट लग जाएंगे ऐसे, ये दोनों को लगा के इमेजिन कीजिए आपका ये दो ऐसे दीवार में इतने इतने पार्ट चले गए हैं। उसके बाद आपने ये वाला जो आपका एरिया है, ये आपका ऐसे दीवार में ऐसे आपको पोर्ट को उठा के अंदर लगाना है। इसको लगाने के बाद ये आपका इतना एरिया अंदर जाएगा। इसके बाद ये नोब होती है, नोब होती है इस साइज की। नोब हम इसलिए लगाते हैं कि रैक बोल्ट का मेटल और ये सिरामिक आपस में टच ना हो, इससे क्या होगा, ये टूट सकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं हल्का सा है। तो मेटल और मेटल जब किसी से टकराता है तो वो टूट जाता है। तो जो ये जो हमारी नोब है, ये हमारी ऐसे, इसमें ये आप देख रहे हैं इन्होंने पूरी शेप बना रखी है ऐसी सेम। तो ये हमारी इस वाले एरिया में आएगी। तो इस नोब का पर्पस होता है कि ये हमारा मेटल है जो, ये सिरामिक के साथ टच ना हो, और टाइटली है जो इस चीज को ज्वाइंट करके रखे कि ये हिले ना। तो इसको लगाने के बाद सिंपली आपने क्या करना है, जब ये हमारा ये वाला पार्ट लग जाएगा, तो उसके बाद हमारी ये है रबड़ की वॉशर लगेगी। उसके बाद हमारी ये वॉशर है ब्रास की। ब्रास की वॉशर हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि अगर हम अकेला नट लगाएंगे तो वो जो एरिया होता है उसका, वो कम कवर करेगा, उस पर दाब कम डलेगी। इससे देखिए, इसके ऊपर नट रखा तो ये इतना एरिया कवर कर लेगा। तो इसके बाद, तो इससे क्या होगा, वो प्रॉपर टाइट हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली इसका नट
लगा देना है। और ये नट है जो 10 नंबर की चाबी से कसा जाएगा, इसको टाइट करके बिल्कुल। उसके बाद आपने चेक कर लेना है कि आपका पोर्ट है जो हिल तो नहीं रहा है। इसको लगाने के बाद ये आपको दिया हुआ है उन्होंने, ये कैप होता है, मेटल का कैप है, ये इसलिए देते हैं कि ये लगने में थोड़ा सुंदर लगे। और ये वाला पीछे जो पार्ट है, कई बार क्या होता है ये ऐसे लगा रहता है, तो जब कई बार खोलना होता है यहाँ पे पानी की वजह से मिट्टी जम जाती है, उसके बाद आपका रैग बोल्ट खुलता नहीं है। तो ये लगा रहेगा तो आपका यहाँ पे थ्रेड है जो सेफ रहेगा, कभी भी आप इजीली इसको खोल के हाथ से ही खोल सकते हैं, तो ये इसलिए लगाया जाता है। तो कई बार आपने देखा होगा ऐसे नट लगे होते हैं तो वो खुलते ही नहीं है, उसके बाद जंग लग जाता है या फिर वहाँ पर पानी बाल भी होते हैं, मिट्टी होती है, और ये देखने में भी अच्छा लगता है। तो गाइज अब आप समझ गए होंगे कि इसकी फिटिंग समझ गए होंगे। तो इसके पार्ट से एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ, ये जो गिट्टी है इसको स्लीव भी बोलते हैं, ये इसी रैग बोल्ट के साथ ही आएगी, ये मार्केट में आपको छोटी भी मिलती है बट ये इसके साथ ही होती है। तो ये हमारा रैग बोल्ट है, इसको 3/8 का रैग बोल्ट बोलते हैं और 10 mm का भी। तो ये हमारा हो गया रैग बोल्ट और गिट्टी, इसको हम नो बोलते हैं, ये हमारी इसको दोनों पार्ट्स को टच करने से बचाती है और टाइटली टाइट रखने के लिए ये लगाई जाती है। उसके बाद हमारी आ गई रबड़ वॉशर, ये हमारी रबड़ वॉशर है, ये हमारी ब्रास की वॉशर है, इसके बाद ब्रास की वॉशर लगेगी, ये हमारा ब्रास का नट है, 10 नंबर की चाबी लगेगी इस पे, और ये हमारा प्लग है, ये हमारा कैप है, मेटल कैप जो इसके लास्ट में लगेगा। तो ये देखिए गाइस, ये इसके रैग बोल्ट के पार्ट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू गाइस।